देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम वड़ा पाव वाला से गरम तेल लेके आवता नहीं और वो ब्लैक मिलर के ऊपर फेंक देता नहीं, जैसे हमने ओकरा गरम तेल डाल देबू वो खुले में आ जाए। वो चीखी चिल्लाई, ओकरा बहुत जोर से चटका लगी और हमने ओकरा चेहरा देख ले। पृथ्वी का कर रहा बड़ा, कुछ ना कुछ ना हमार कमरा है, हम चाहे यहाँ जॉन करें तो क्यों उसे काले देख। एक कर मतलब मायरा और पृथ्वी के फोन एक जैसे भाई, कर मतलब हम जो मैसेज पढ़ ले रहनी वो मायरा के फोन में ना, वो हम पृथ्वी के फोन में पढ़ ले रहनी। करेक्ट, एकर मतलब ब्लैक मिलर मायरा के ना पृथ्वी के मैसेज कर ले रहे, मायरा के ना पृथ्वी के ब्लैक मेल करत रहे। डैम, सिर्फ काम करेंगे, शूज लेके ना पृथ्वी के लाके चलेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, जूता दिखा के साबित कर देवे की वो जा रहे, ओकर लफड़ाई खत्म, बहुत पक्कल बन यार, प्लीज यार चल। ये बात तो सही कह रहा बड़ा, लेकिन तू एगो काम करे तो जूता लेके आवा, लेकिन पृथ्वी से मिलने से पहले हाँ हमने जीजू से मिला। बट करण भाई से कहा है? अरे कहे कि करण जीजू ही बड़े जे पृथ्वी से अच्छा तरह से निपट सके ले, अगर करण जीजू हक से ओकरा से पूछनी ना वो शायद चीज उगल भी दे जे हमनी के पूछे से वो ना बोले, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक कहा तरु, चलो चले के। पहले से कम स्ट्रेस में रहनी है कि वो मूर्खन का महारानी हमके ज्यादा स्ट्रेस दे देलस, हमके तो याद भी नहीं के, रियलाइज भी ना के ले रहनी है हम कि हम अपन एक जूता वहां भुला गईनी, भूल का गईनी, छोड़ देलनी है वहां अपन जूता। कैसे ना छोड़ती, वो बड़बोली सृष्टि और छोटा लूथरा हमारे पीछे पड़ा लल है, वो दोनों देख ले लेना हम के वहां। आई होप के हमार जूता उन लोगों के हाथ न लगल होके, कहे कि हमार जूता अगर उनके हाथ लग गए ना तो उनके प्रूफ मिल जाए कि हम वाकई में महारानी है, तब हम बुरी तरह से फंस जाए। जूता तोहर बा, कुछ पूछ रहा बानी तोहरा से, जूता तोहर बा। कैसन सवाल है ये, अगर ये हमार जूता रहत तो तोहरे पास थोड़े ना। शट अप, ज्यादा स्मार्ट मत बना, जितना पूछ रहा बानी उतना जवाब दा, जूता तोहर बा। ये जूता हमार ना हो, ये झूठ बोला था, ये जूता एकरे हा। एक मिनट, ये जूता उता छोड़ा, तू हमके ई बतावा चेंबूर रेलवे स्टेशन के पास वाला फैक्ट्री के पास तू का करे गए रहला। वो कौन रेलवे स्टेशन, हम आज तक कौन रेलवे स्टेशन में गईले नहीं थी। हम फैक्ट्री के बात कर रहल बानी, त तू ई कहे चाहत बड़ा कि तहार जूता तहरे पैर से निकल के वो फैक्ट्री में अपने आप ना पहुंचल। हमके नहीं पता कि हमरे जूता में पहिया लगल बा कि पैर कैसे पहुंचल, हमके नहीं पता, कहे कि हमारी जूता है ये ना है। का बोला था तू लोग हमके कुछ ना समझ ना। डायलॉग पास डायलॉग मत मारा, हमने के पता पता ओजा गेल रहला। आखिरी बार बोला तानी, ना ही हमार जूता है, ना हम कोनो रेलवे स्टेशन या रेलवे स्टेशन के पास वाली फैक्ट्री के पास गेल रहनी। ये ऐसे ना मानी, एक पुलिस के पास लेके चला जाए, यही जूता से जब पुलिस अगर पिटाई करी तब ये उगली, चल यहाँ से। लिसन, ये कौन तरह का इल्जाम लगाओ तड़ा, अक्षय के खून, हम कोनो अक्षय अक्षय का खून नहीं कहले। तो फिर केहू तहरा पैसा खातिर ब्लैकमेल काहे करत रहला पृथ्वी। तू ब्लैकमेलर के पैसा देवे गए रहला, चेंबूर रेलवे स्टेशन के पास वाला फैक्ट्री में गए रहला, बोला ना। यू नो व्हाट, हमनी ना पहले कंफ्यूज्ड हो गए रहनी, कहे कि तहार और माहिरा के फोन एग्जैक्टली सेम दिखेला, आइडेंटिकल बा, और जीजू हम माहिरा के फोन पे वो मैसेज पढ़ लेनी ब्लैकमेलर के, लेकिन हमके ना पता रहे कि इनके फोन एक्सचेंज हो चुकल बा, एकर मतलब वो माहिरा के फोन ना तो तहार फोन रहे, तो वो ब्लैकमेलर तहरा ब्लैकमेल करत रहे। और ऐसे ब्लैकमेल करत रहल तो के कहे कि अक्षय के खून तू गेले बड़ा, समझला। हां गेल रहनी हम, गई लनी है ब्लैकमेलर से मिले खातिर, एलिए ना कि अक्षय खून हम कहले बानी, हम अक्षय का खून नहीं की कहले, सच जानल चाहत रह तू लोग कि हम वो ब्लैकमेलर से मिले कहाँ गए लनी है, ब्लैकमेलर हमके बुरी तरह से फंसा देला सा, ठीक वैसे ही जैसे प्रीता जी फंस गए बड़ी एक केस में। वो ब्लैकमेलर के पता बा जैसे प्रीता जी होटल गेल रही अक्षय से मिले खातिर, हम गए लनी है अक्षय से मिले खातिर होटल में, और यही चीज के फायदा उठाकर वो ब्लैकमेलर हमके ब्लैकमेल करता, बहुत सारा पैसा डिमांड कहले बा हमरा से, और हम ओके ये देखो नहीं कि हम डर के लवानी, और पैसा देवे जात रहनी ओकरे पास सिर्फ एक खातिर
कहा कि हम ओकर चेहरा देखल चाहता नहीं। बिकॉज आई एम डैम श्योर कि ई जोन ब्लैकमेलर बा जोन हमके ब्लैकमेल करता उहे अक्षय का असली किलर हा। या रियली? अच्छा एगो बात बताओ, होटल कहाँ गई रहला? अक्षय के पिटाई करे खातिर, अक्षय के धुलाई करे गेल रहनी। यू नो व्हाई? कहे कि तोहार बहन कृतिका के ब्लैकमेल करत रहल हा और ई बात हमरा के पता चल गेल रहल हा। और ई बात कृतिका के नहीं के पता कि वो बात हमके पता चल गेल रहे। शायद कृतिका हमके ऐसे ना बतावल चाहत रही है कि वो शर्मिंदा ना होकल चाहत रही। तो होटल हम एक खातिर गेल रहनी है कि हमरा के अक्षय के सबक सिखावे के रहला, ताकि वो आगे से ऐसा गलती ना दोहरावे, कृतिका के परेशान ना करे, ओकरा के ब्लैकमेल ना करे। जीजू, वी डोंट नो, ई सच बोल रहल बा या झूठ बोल रहल बा, हमनी के कुछ आइडिया नहीं थे। आधा सच आधा झूठ, थोड़ा बतावत नहीं, थोड़ा छुपावत नहीं। अरे बेवकूफ लोग, हम तोहलों के ये थोड़े ना बताए कि अक्षय के हम ही कहले रहनी कृतिका के डरावे खातिर। का भाई, अब यू तोहलों के यकीन ना होता ना? यू नो व्हाट, वो ब्लैकमेलर वो ऑलमोस्ट हमारे हाथ में पकड़े जाए वाला रहा, पर तोहरी लोगों की वजह से वो हमारे हाथ से छूट गए। तू लोग वहां आई लला ना हमारे पीछा करे खातिर, ये वजह से तू लोग हाथ धो के हमारे पीछे काहे पड़ल रहे लोगन। जितना सच तोहलों के जाने के बा ना, उतना ही सच हमके भी जाने के बा। अंजन तकलीफ होता ना? प्रीता जी जेल में बाड़ी, ये वजह से तकलीफ होता ना? हमरो भी तकलीफ होता। कहे कि हम जानता नहीं प्रीता जी बेकसूर है। जी जान लगा दे ये साबित करे खातिर कि प्रीता जी बेकसूर है। अगर तू सच बोल रहा बाड़ ना तो ठीक बा, लेकिन अगर तोरा बात में रत्ती भर भी झूठ बा ना, और तोहरा वजह से प्रीता को भी तकलीफ है, जान ले ले तोहर। पहले वाला आदमी के आप चेहरा देख ले रानी का? नहीं, हम ओकर चेहरा तो ना देखनी। हाँ, बाकी वो ब्लैक कलर का हुडी पहन ले रहा था। कुछ ना, हमके बारे में कोई बात ना करके तू प्लीज। रुचिका, यस आई गॉट इट, आई गॉट इट। व्हाट? ओ फैक्ट्री में रुचिका गर्ल रहली का? हाँ, ये देखा, ये ब्रेसलेट रुचिका के बा। तू इतना शोर कैसे बाड़ो कि ब्रेसलेट रुचिका के? हाँ, हमके पता बा, हमके याद बा, हम ओकरा हाथ में देख ले रानी। वो बेचारे किलर नहीं हो सकते यार। उहे किलर भैया, उहे अक्षय के खून कैले भैया। शकल देखे लागत ना रहे कि केहू के खून कर सकती है। हो सकेला कि वो खूनी ना होगे, लेकिन ये तो पक्का बाकी वो पृथ्वी के ब्लैकमेल करत रहली। कहे कि ओकरे पता रहे कि अक्षय के मर्डर वाला दिन पृथ्वी वो होटल में रहे। शायद वो नॉलेज पृथ्वी के ब्लैकमेल करे खातिर यूज करत हो कि ताकि वो ओकरा से कुछ पैसा ऐट ले। एक ही बात हो सकेला, या तो रुचिका किलर भी है, या तो वो किलर के जानत भी है। अरे करण भाई कहां जाता रहा? करण भाई, रुचिका के घर हम भी आ रहे हैं बानी, चलो चलो चलो। तू दोनों आपका चाहे तो के अंदर आ सके नहीं जा? चाहिए तो के जस्ट लीव माय हैंड। एक मिनट, तुम्हारी हाथ में एक ब्रेसलेट रहे ना, बता सके लो कि कहां बा? ओ तो तू लोग आधा रात के हमार घर में ही पूछा आयल बड़ा कि हमार खोयल ब्रेसलेट कहां है? ना पूछे ना आयल बानी, देवे आयल बानी। तुम्हार कुछ सामान हमनी के पास बा, देवे आयल बानी। इतहार ब्रेसलेट बा ना, तो का तू ये बता सकेलू तहारी ब्रेसलेट
तहार हाथ से निकल के चेंबूर रेलवे स्टेशन वाला फैक्ट्री में का करत रहे? होकी रियली आई मीन हो सकेला हिमे प्रॉब्लम का प्रॉब्लम उससे नहीं खे प्रॉब्लम तोरा ब्रेसलेट से भी नहीं खे प्रॉब्लम सच से बा जॉन तू सबसे छुपा रहल बाड़ू तू यहाँ तोहार ब्रेसलेट वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ यह सबूत बा तोरा खिलाफ जॉन पुलिस के भी दिखी उसे सच कहीं आई केयर डैम कि पुलिस का सोचे ले आई केयर डैम कि मीडिया का सोचे ले और तू का सोचे लो फर्क हमके बस एक चीज से पड़ेला कि तोहरा वजह से हमार पत्नी ये समय जेल में भी आ तोहरा हिस्सा के सजा भुगत रहल भी आ कौन सजा के बात कर रहल बाड़ा तू अच्छा कौन से सजा उहे सजा जे तू अक्षय के देले बाड़ू वो तोहरा छोड़ देलस तारा से शादी ना कैलस त तू तैश में आके ओकर मर्डर कर देलू हम अक्षय के खून ना कहनिया कहे करब हम ओकर खून प्यार करत रहनी हम ओकरा से प्यार तो छोड़ अक्षय के और हमारे को बच्चा भी है प्यार करत रहलू अच्छे से ऑफ कोर्स प्यार करत रहनी हम और ही चाहत रहलू कि तोह से शादी करे हाँ हाँ हम ओकरा से शादी करे चाहत रहनी और पैसा खातिर वो कृतिका से शादी करे चाहत रहले फिर जब प्रीता और ये दोनों के अक्षय के सच पता चलल तो अक्षय खुद कृतिका के साथे शादी तोड़ देले कृतिका के मंडप में छोड़ देले कहे कि अगर वो शादी से बैकआउट ना करे तो उके पता रहे कि हम शादी में पहुंच जाए और हम शादी में आयल भी रहनी फिर का शादी ऐसे न तो वैसे टूटे ही वाला रहे और शादी अक्षय तोड़ दे ले फिर का हमरे तरफ से बात हो जे खत्म हो गई ला अक्षय के खिलाफ हम कुछ न करने फिर अक्षय वापस हमरे पास आ गए पर कृतिका के साथ शादी टूटे के बाद अक्षय बहुत बदल गए रहे बहुत ड्रिंक करे लग गए रहे फिर एक दिन हम ओके मेघा के साथ देख लेनी बहुत लड़ाई भल हमनी के हमके प्रॉमिस कर ले कि मेघा के छोड़ दी है हमरा से शादी करे और हमने दुबई शिफ्ट हो जाए हम उकरा पे भरोसा कर लेनी पैसा की जरूरत तो बहुत रहे हमने के फिर का अक्षय कृतिका के कॉल करल चालू कहले ओके ब्लैकमेल करल चालू कहले लेकिन बदकिस्मती से मेघा के हमने की प्लान पता चल गए और फिर गुस्सा में आके मेघा उस दिन होटल रूम में जाके अक्षय के खून कर देली अक्षय के खूनी हम ना कोई और ना मेघा बाड़ी तो का करता डू तो ताहू का था हमरा से स्मार्ट बने के कोशिश मत करो साफ साफ बतावा अक्षय के तू मर ले बड़ा दिमाग खराब हो गए तहार अपन दिमाग नहीं बेच के बड़ू हम अक्षय के नाम मर ले आई सिर्फ पटक पटक के 100 बार ना 1000 बार बोल रहे हैं कि हम अक्षय के नाम मर ले आई अब अगर केहू हमसे ये बेहुदा सवाल पूछलस ना तो सिर फोड़ दे बोकर प्लीज काम डाउन अरे व्हाट काम डाउन ये बेहुदा सवाल पूछल तू ही शुरू कर ले रहा हुआ तू ही आग लगा ले रहा हुआ तू ही बार बार हमसे कहत रहा हुआ ना कि अक्षय के हम मर ले हैं कि अक्षय के तू मर ले हवा बार बार तू ही सवाल पूछत रहलू है ना आग तू ही लगोलू और अब ई उ आग के भड़का होता है आई जस्ट कांट बिलीव दिस आज एक और स्टुपिडिटी की वजह से हमने सब फंस जाए अब कहो कि फंस जाए और काहे फंस जाए तू ना प्रॉब्लम का सेल्फ इनविटेशन देता रू लिसन ये हमार और लूथरा फैमिली का मैटर है और फैमिली में ना ये अप्स एंड डाउन्स होत रहेला और तू अगर कोनो प्रॉब्लम ना चाहता रू ना खुद खातिर तो ई मैटर से बाहर रहा समझ में आइल कौन से फैमिली लूथरा सोहर फैमिली हो गई तू पागल बड़ा या हमके पागल समझला सबके पता बा तू कृतिका से शादी काहे कैला और अभी तो हर फैमिली है हाँ फैमिली तो जाके बता देना सब सीक्रेट समीर और सृष्टि के मायरा पृथ्वी समीर सृष्टि के कुछ भी ना बता ले बा उन लोग गेस कर ले होगी शायद तू ही अच्छा से ना सुन ले तू ना सुन ला तो के ना समझ में आ रहा ली अपन शूज ओजा छोड़ के चल आई ला के छोड़ के आवे शूज के छोड़ के आवेला एक वजह से आज ई फंस जाये और हमने सब फंस जाये
हमके तो एगो बात ही ना समझ में आ रहा है कि अक्षय के मारे की जरूरत ही का है। अक्षय 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 ई का लगा रखले पड़ो तोहर बॉयफ्रेंड रहल ह। तो शट अप। व्हाट शट अप? दिल फट गेल तोहर ओकरे मरले से। बोलली ना तो शट अप। दिल फट गेल बा एकर ऐसन रिएक्टर तड़ी। शट अप शट अप। तू कैसे बात कर रहल बाड़ो पृथ्वी से? हम कैसे बात कर रहल बानी शलिन? तो के दिखाई काहे ना देवेला? ई का कर रहल? कैसे बात कर रहल तब से? हम कब से समझा रहल बानी तू दोनों के? एक भी जन फंसी ना हमने तीनों फंस जाए। काहे ना समझेला कैसे बिहेव कर रहल बाड़ा? ई फैमिली हम आउटसाइडर बानी, हमरा से सीक्रेट छिपा रहल बाड़ा, सब कुछ तो जाने नहीं यार। दिमाग खराब हो गया तू दोनों के? इतना छोटा से बात समझ में ना आ रहा? अगर तू दोनों ये बिहेवियर कंटिन्यू कैला, हमके इन्वॉल्व ना कैला तो याद रखिये ई बार बचा ले ले रहनी, नेक्स्ट टाइम कोई ना बचाई। चिल्लाने की जरूरत नहीं। माहिरा, पृथ्वी, माहिरा की छोड़ा, हमके ई बतावा कि अबू ब्लैकमेलर की का होखी? मतलब जे तोहके लग रहल बा कि किलर बा, ओकर का होखी? ओकर फोन आयल हमके, कल मिलब उसे हम, उ ब्लैकमेलर के, कल उसे मिल के ओकरा मुंह पे पैसा मारब हम, और अक्षय के असली किलर का नकाब उठी। आई विश जे भी ब्लैकमेलर बा उहे अक्षय के किलर निकले। हमनी तीनों के ऊपर जे ही शक के फंदा लटक रहल बा, हमनी तीनों उसे आजाद हो जाए। सरला जी, आज हमके ई बात के बहुत खुशी है कि करण आपसे मिले आपके घर गए रहे। हमू बहुत खुश बानी राखी जी, करण खुद यहाँ हमरा से मिले आयल, और ओकरा से ज्यादा खुशी ई बात के बाकी वो प्रीता से मिले गए रहे। प्रीता कितना खुश होई ना, कितना खुशी मिलेला ना एक पत्नी के जब जब ओकर पति ओकरा साथ खड़ा रहेला। आप समझ सके नी, ये सारा दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जब एगो पति अपन पत्नी के साथ देवेला ना, तो पत्नी कितना भी मुसीबत से लड़ सकेली। प्रीता के हुए है ताकत मिलल होई करण के साथ से, और प्रीता के वो तकिया जेकर बिना वो सुत ना सकेली। वो जाके ओकरा जेल में पहुंचेलस, ओकरा खातिर मीठा लेकर रहे। ये बात सुन के हम इतना खुश होकर बनी कि हम आपके बता ही ना सकेनी। ये तो हमेशा चाहत रहनी हम कि करण ओकर साथ देवे, और आज ओकर साथ खड़ा बा। अब हमरा कोनो चिंता नहीं की, और हम जानत आनी कि वो प्रीता के जेल से बाहर जरूर निकाल ली। सरला जी, हमके तो पता ही ना रहे कि हमार करण ही सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सुन के हमार दिल के बहुत खुशी मिला कि अब हमार प्रीता अकेली ना बाड़ी, करण उकरे साथ था। इकरा से ज्यादा खुशी के बात और का हो सकेला? सरला जी, आप बिल्कुल ठीक कहनी, हमार करण जिबा होकर साथ वो अकेले कैसे हो सकेली। आप सुनिए, आप अभी अभी का कहनी, हम प्रीता के हमार प्रीता कहनी, ता आप हमार करण के हमार करण कहानी। सच कही सरला जी, भगवान हमके बेटी न देले रहनी, लेकिन आप हमके प्रीता दे देनी, बेटी के सौगात देले बानी आप हमके। थैंक यू। आप बिल्कुल ठीक कहनी राखी जी, आप भी तो हमरा के को करण जैसन बेटा देनी, दो बेटी के माँ, लेकिन अब करण भी हमार परिवार के हिस्सा बन गई, ओकरा खातिर थैंक यू। सच कही सरला जी, अब तो बस इंतजार कर रहल बानी कि कब हमार पिता घर आए। एक बार हमार पिता घर आ जाए तो हम पता ना पागल ही हो जाए खुशी के मारे। और आपके पता हम एगो चीज सोचत रहनी, एक बार बस हमार पिता घर आ जाए, फिर आप देखब हम ई खुशी के सेलिब्रेट करब, हमने एगो पार्टी देब। हाँ, पार्टी में सिर्फ घर वाले होके, लेकिन पार्टी तो जरूर होगी। इतना मुद्दत के बाद महेश जी भी ठीक भइल बाड़न, हम चाहेने कि महेश जी, करण, प्रीता, इस सब के खुशी से हमार घर एक बार फिर से सज जाए। महेश जी कितना खुश होगी ना जब सब लोग एक साथ इतना खुशी मनाई है, और अब तक प्रीता ई घर के बहू बन चुकल बाड़ी। ई बात के खबर महेश जी के अभी पता चलला, उ पहले करण और प्रीता के खुशी में शामिल न हो पैला ना। चल ये बहाने सही महेश जी दोनों के साथ ही सेलिब्रेट कर लिए। और हाँ सरला जी, ई बार कोनो बहाना ना चले, आपके भी पार्टी में जरूर आवे क्या? काहे की पार्टी सिर्फ हमार परिवार के ना, हमने दोनों के परिवार के
खुशी क्या, हमनी के प्रीता घर वापस जा रहल बाड़ी। बाना नाना राखी जी, आपके बुलावे के जरूरत भी नहीं खे, बिन बुलेले आ जाए, कोनो बहाना ना करब। और ई पार्टी में आवे खातिर त हम सच में सब कुछ छोड़ के आ जाए। सरला जी, आपके एक और बात बतावे के रहे। आपके पता, जब आप उदिन हमनी के घर आयल रहनी और करीना दी और आपके बीच में थोड़ा सा कहा सुनी हो गए रहे, ओकरे बाद शायद करीना दी की एहसास हो गई कि आज तक वो प्रीता के बहुत गलत समझनिया। उनके एहसास हो गए जे कुछ भी भाईला अक्षय के मर्डर, पुलिस के हमने के घर में आवल, इमे प्रीता के कौनो गलती ना रहे। रुचिका देखा, जोन कुछ भी भाईल, हम लोगन के सच्चाई नहीं खे पता। अच्छा, जॉन कुछ भी तोरा साथ कैलस, तू अभी ओकरा खातिर रो रहल बड़ू, एकर मतलब तू अभी उसे प्यार करेलु। और हम जानत बानी कि सच्चा प्यार का होखेला, लेकिन अच्छा का कुछ कैलस तोरा साथ धोखा देत रहल तोके, राइट? यही से अब हम चाहत बानी कि तू हमार हेल्प करा। आई मीन कल कोर्ट में हियरिंग बा, और हम चाहत बानी कि तू प्रीता के सपोर्ट में गवाही दा। देखा, हमार बच्चा से ओकर बाप पहले ही छिनल गयला, और हम न चाहेनी कि ओकर माँ भी ओकरा से छिन जाए। हम अपन बेटा के अनाथ न देखे चाहेनी। ए, एक मिनट, तू डर किस राल बड़ो? कौन बात का डर बा? मेघा जे, मेघा अक्षय जैसन अच्छा खासा स्मार्ट इंसान के मार सकेली, ओकरा खातिर हम का बन? तो हर साथ देवल मतलब मेघा के खिलाफ जाइल, और अगर ओके पता चल गयी कि हम कोर्ट में ओकरा अगेंस्ट गवाही दे रहल बानी, तब वो हमके मार डाली। हम तो क्या प्रॉमिस कर बानी, ऐसे कुछ ना होगी। हम गारंटी लेत बानी कि हम तोहरा और तोहरा बच्चा के कुछ ना होके दे। आई प्रॉमिस। ना ना, हम के इन सब चीज में ना पड़ गया। सुबह वो आयल रहे, ओके इस सब प्लानिंग के बारे में पता चल गए रहे, और हमरा से बहुत झगड़ा करत रहे। ये दोनों भी हमने के झगड़ा देख ले रहे। मेघा बहुत खतरनाक बाड़ी, और हम इतना बड़ रिस्क ना ले सके। देखा रुचिका, आज सुबह ही पुलिस तो के अरेस्ट करके ले जाए वाला रही। तो शुक्र मनावा कि जीजू तारा बचा लेनी। अगर जीजू ना होखती ना, तो अब तू जेल में सड़त होखतू। हमनी सिर्फ हेल्प ही मांग रहल बानी तारा से। देखा, तारा तब पिता भाभी के थैंक यू बोले के चाही। उहे अक्षय और कृतिका के शादी रोक ले रहली। अब रुचिका भले ही तनी देर खातिर, लेकिन तारा अक्षय तब मिलल, और तू लोग टाइम भी स्पेंड करे लो, है ना? प्लीज रुचिका, प्लीज प्लीज रुचिका, प्लीज प्लीज। करण, तुझे अभी प्रॉमिस कर ले रहा है हमरा से, उत्तोड़ बताना ना। ऑफ कोर्स नॉट। हमार और हमार बच्चा के सिक्योरिटी देखबा ना। पक्का। कल कितना बजे आवे क्या? अब 12 बजे। 12 बजे हम आए। करीना दे के एहसास हो गए कि जे कुछ भी भाईला अक्षय के मर्डर, पुलिस के हमने के घर में आवल, इमे प्रीता के कौनो गलती ना। करीना दी प्रीता के दिल से स्वीकार कर लेनिया। यही से तो पुलिस स्टेशन गयल रहनी प्रीता से मिले, और वहां पर प्रीता से माफी भी मांगनी। और का चाहे, बस माता रानी हमने के सुन लेनी। हमने के घर में जे कुछ रिश्ता रहे, जे में थोड़ा सा कड़वाहट रहे, उ कड़वाहट भी दूर हो गए। अब सब रिश्ता सुलझ गए, और का चाहे, बस एक खुशी के लेके साथ में गो पार्टी मनाए। सरला जी, शायद हमार बात सुन के आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए बानी ना। ना ना राखी जी, हम रो ना रहल बानी, ये तो खुशी के आंसू बा। आज बहुत खुशी हो रहा हमरा राखी जी की, लेट से ही सही, लेकिन करीना जी हमार प्रीता के अपना ले ली। हमरा तो समझ में ना आ रहा कि जब से हम नहीं जाने नहीं करीना जी के, हमरा से चाहे हमार बच्चियन से कहा दिक्कत रहे। और प्रीता, प्रीता तो उनका का बहुत अच्छा लगली ही ना, इतना प्यारी बच्ची जिकरा सब इतना प्यार करे ले, हमेशा ओकरा लेके गलत बात ही बोलत रहनी। कृतिका की अपन बहन माने ली, ओकर जिंदगी में कोनो भी मुश्किल आए यही से लड़त रहली उस सब से, लेकिन करीना जी के ये बात के एहसास हो गए, वो खुद प्रीता से जाके माफी मांग ले ली,
ये बात सुन के हम सच में बहुत खुश बानी। आपका हाथ रानीना की घर में पार्टी हुई, सचो ए बार बहुत बड़ा पार्टी हुई। एगो ऐसन पार्टी जहाँ परिवार के सब लोग साथ हुई है, केहू के दिल में केहू के लेके कोनो रंजिश ना हुई, केहू के ग्रो से बदला ना लेवे चाहेला, केहू केहू के ना पसंद ना करेला, सब हाथ में हाथ मिला के खुशी मना रहा हुई है। जल्द से जल्द बस प्रीता घर आ जाए, अपन पति के पास, अपन परिवार वालन के पास, बस फिर पार्टी करब राखी जी। बस सरला जी, अब हमार पिता जल्द से जल्द घर लौट आए, फिर ढेर सारा खुशी मनाए। अब हम फोन रखा तानी जी, अपन ध्यान रखी। हा हे माता रानी, आपके लाख 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 शुक्र। कबैल, अब तू का सोच रहल बाड़ू? करीना जी के बारे में सोच रहल बानी। उ तो कुत्ता के दुम की तरह बनी, जे कबो सुईदाना होके वाला बनी। का कहे चाहता डू जान के? मतलब ई कि हमार दिल ना मानेला कि करीना जी प्रीता के अपना लेले बानी, मतलब हमार दिल से अपना लेले बानी। अरे वो तो प्रीता उनकर बेटी के बचाई ले बिया, तो उनके खुशी भाई और उनके अंदर एगो ममता के उबाल आई, बस ओकरा से ज्यादा कुछ ना। उ ना कबो सुधर ले बानी और ना कबो सुधरिए, उ जैसन बानी वैसने रही। कबो तो मुँह से अच्छा बात निकालल कर, अगर अच्छा सोच अपना तो अच्छा ही होई। हमके जे ठीक लागल हम बोल देनी। प्रीता करण, तू यहाँ मिले के टाइम तक खत्म हो गए रहना, फिर भी हम आ गए नहीं। जल्दी करिए, हम आपके ज्यादा टाइम ना दे पाए। ईप का हो रलबा बताओ बानी, यहाँ तो से मिले के बाद हम रुचिका के घरे गए रहनी। वो हमके बता दिलस कि अक्षय के असली कातिल के बा, अच्छा है के मर ले बा, के बा मेघा। मेघा एक्चुअली सिस्टी और समीर मेघा और रुचिका के लड़त दिखले रहे, रुचिका के पीछा के लोकरा घरे के लिए उसे पूछताछ के लिए हम भी गए रहनी वहाँ। वो बतौलस अक्षय के खूनी हम ना, कोई और ना मेघा बाड़ी, कि अक्षय के मेघा मर ले भी है। और हाँ, The good thing is, रुचिका तोरा फेवर में गवाही देवे खातिर रेडी हो गिल भी आ। Really? So, Mrs. Luthra, यहाँ से निकले के तैयारी कर ला, पैकिंग कर ला अपन, वापस पैक टू लूथरा हाउस, यू एंड मी, इन द सेम रूम, सेम फाइट्स। तो सोच भी ना सकेला कि हम कितना उतावली होता नहीं यहाँ से बाहर आवे खातिर, घर में सबके मिले खातिर, हमरा सबके कितना याद आ रहल बा। और इकर मतलब अक्षय हमारे हाथ से ना, थैंक गॉड, थैंक यू करण। तू हमरा से प्रॉमिस कर ले रहा कि तू हमरा के यहाँ से बाहर निकाल ही लेबा, और देखा तू तो हर तैयारी कर लेला, तू हमरा के हमेशा गिरे से बचा लेवेला। अब हाथ थम लेवानी तो गिरे तो देव ना, आई एम दी करण लूथरा, प्रॉमिस के लेवानी तो निभाई आखिरी दम तक। चलो तू सो जा, वैसे भी तुम्हारी यहाँ ये आखिरी रात पा, एंजॉय योरसेल्फ। वो हम सोचत रहने की मेघा वो कोर्ट में आई, वो सब तो हम पे छोड़ दा, हम कहानी ना आई एम दी करण लूथरा, हम सब कुछ हैंडल कर ले। हाँ जैसे कि हम कहानी एंजॉय योरसेल्फ, आज तो हर आखिरी रात बा यहाँ पर, कल सुबह तू रिहा हो जीबू। आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। करल बानी सर, प्लीज जाए दीना, दी से मिले के बा। मैडम बड़ी मुश्किल से करण लूथरा के मिले देले बानी, प्लीज आप शोर मत करें,
केहू के पता चल गेल ना तो हमार नौकरी जा सकेला। मंदर साहब सिर्फ 5 मिनट प्लीज। सर 3 मिनट सर प्लीज 3 मिनट। 1 मिनट 1 मिनट। सैमी सृष्टि जीजू प्रीता के प्रॉमिस केले बानी हम कल ओके घर लेके जाए प्रॉमिस केले बानी तो निभाए। कांस्टेबल साहब थैंक यू। देखी ऐसे पहले दूसर कांस्टेबल आ जाए प्लीज आप यहां से चल जाएं। चला तू दोनों कल रुचिका के लेके कोर्ट पहुंचा हम मेघा के लेके और बनी। ना जीजू आप ना जाइए मेघा के हम लेके आए। मेघा के लेबे हम जाए हम कोनो चांस नहीं खिली हलचा। करण जीजू प्लीज प्लीज आप मत जाइए अगर आपके वहां गुस्सा आ गए ना तो चीज और बिगड़ सकेला। आप ना जाइए आपके आपके दी के कसम। देखा हम कसम तोड़ सके नहीं लेकिन तोड़ अब ना ओके ठीक बा तू दोनों जा और मेघा के लेके आओ हम रुचिका के लेके सवेरे कोर्ट पहुंचत बानी। मेघा के कल कोनो भी कीमत पे कोर्ट लेके पहुंच जा कल प्रीता के जेल से कोनो भी कीमत पे निकाले के बा। आई लव यू जीजू। आई लव यू टू। चला कल चाहे कुछ हो जाओ हम प्रीता भाभी के घर वापस लेके आए। थैंक यू सैमी चल जाओ। हम रुचिका के कोर्ट लेके आए प्रीता भाभी बच जाइए घर वापस आ जाइए। हाँ हमके पता बा चला ना। हमरा तो किस देलस नहीं। करण तू यहाँ अभी 3 घंटा बाद केस के हेयरिंग बा। ओ अंकल एक्चुअली हमके कुछ पता हो गया आपके हमके पता चल गई बा कि अक्षय किलर के बा। का के बा किलर? अक्षय गर्लफ्रेंड मेघा। ये बात तो के किसे पता चलल? ओ एक्चुअली गुस्सा में आके मेघा उस दिन होटल रूम में जाके अक्षय के खून कर दे ली। मेघा बहुत खतरनाक बड़ी और हम इतना बड़ खतरा मोल ना ले सके। यू डू वन थिंग तू आज कोर्ट के हेयरिंग से पहले मेघा के वहां ले आवा बाकी तो सब हम पर छोड़ दा हम देख ले कैसे और का करे के बा। जी सी यू। बट करण आर यू श्योर कि मेघा ही अक्षय के किलर भी है? डेट श्योर। का है नाउ ऐसन बाकी जहां ब्लैकमेलर पृथ्वी मल्होत्रा के बुलैले रलस पैसा लेबे खातिर वहां पर रुचिका के ब्रेसलेट काहे मिलल और अगर खून मेघा के ले भी आ तो फिर रुचिका वहां कहां गेल रहल? कहीं रुचिका ही तो ब्लैकमेलर नहीं के? एकर मतलब रुचिका पृथ्वी के ब्लैकमेल कैलस और उसे पैसा लेबे खातिर कहले हो कि वहां आवे। अगर सचमुच रुचिका ब्लैकमेलर बिया तो फिर वो अगर जौन कुछ भी मेघा के बारे में तुझसे बतौले बिया ऊपर हम लोग भरोसा ना कर सके नहीं हो सकेला वो गलत होके। हमार तजुर्बा तो ई कहत बा कि खून मेघा ना रुचिका कैले बिया। एक काम करत बानी अंकल हम कोर्ट में ना मेघा और रुचिका दोनों के ले आवत बानी आप पता लगा ले कि सच का बा। 1000% श्योर तू आज रुचिका और मेघा के कोर्ट में ले आवा बाकी हम उनसे सच उगलवा ले। ठीक बा I'll see you in the court. Okay. बस भैया 15 मिनट और थोड़ा सा पैकिंग बाकी है और उसके बाद फटाफट करके निकल जाए भैया से। तू दोनों जा कहे आयल बड़ो? काहे कहीं भागे वाला बड़ो? हम काहे भागा? हम थोड़ी कुछ कहीं नहीं हो। अच्छा तू कुछ ना कहले बड़ो तो ई कहाँ जा रहल बड़ो और काहे जा रहल बड़ो? वो एक्चुअली जब आइजा के ओनर हमके जगह खाली करे खातिर बोले बड़े तो हम कोनो दूसर जगह शिफ्ट होकर रहनी कोनो शहर छोड़ के जात ना रहनी पर तू दोनों आइजा कहे आयल बड़ो का काम रहे हमरा से? काम ना काम के बात करे आयल बनी कहे कि जेकरा देखा वो हमनी के ब्लैकमेल करल जा रहल बा। अक्षय के मरे के पहले अक्षय हमनी के ब्लैकमेल करत रहे अब ओकरा मरे के बाद ये रुचिका हमनी के ब्लैकमेल करल बिया। का भले से काहे देख रहल बाड़ू? सुन एगो बात बता दी रुचिका जितना भोली दिखेली ना उतना वो बिया नहीं थी। वो कहा ना रुचिका अक्षय और कृतिका के पास्ट से जुड़ल बिया तो पता ना कहत रहली कि वो कुछ जानेली कुछ सच जानेली कुछ
हम ई कर देब हम ऊ कर देब ओकरा पास कोनो पिक्चर बा कोनो वीडियो बा जब वायरल कर दी पता नहीं ऐसा कुछ बोलत रही हूँ। ऐसे हमने के ओकर मुंह बंद कर देनी। एग्जैक्टली अब कृतिका और अक्षय के पास्ट से तू भी जुड़ल बाड़ू यही से अब हमनी तहरा से भी पूछायल बानी अगर कुछ बा तो हमनी के बता द मुंह बंद रखे के पैसा मिली तहरा के ई हम ना करल बानी ई करंजीजू करल बानी करंजीजू ई हमनी के मैसेज पहुंचाए खातिर कहले बानी काहे कि हमनी थक चुकल बानी ब्लैकमेलिंग से सो प्लीज। हाँ करण भाई ई कहत रहलन कि आगे चल के अगर मेघा ब्लैकमेल कर ली था हमार मतलब बा एकर मतलब बा कि पता ना तू ब्लैकमेल करे वाला बाड़ू कि ना करे वाला बाड़ू हमनी के ना पता हमनी के बस ई जाने के बा कि तू का छुपा रहल बाड़ू का सच बा का जानत बाड़ू हमनी के बस ऊ जाने के बा मुंह बंद रखे के पैसा मिली तहरा 20 लाख रुपया। देखा यार मेगा हमने के लाइफ में बहुत सारा काम बा हमने के भी थक गई बनी ब्लैकमेल से यार अगर प्लीज कुछ बात आप बता दा यार मूव ऑन कर जाए। सिंपल से ऑफर बा 20 लाख रुपया ल और अपन मुंह बंद रखा अगर कुछ जानत बाड़ू तब बता दा कुछ जानत बाड़ू मेघा 20 लाख रुपया कुछ जानत बाड़ू। हाँ हम जाने नहीं ना एक मिनट तू जानत बाड़ू ऐसे ना बोल रहे बाड़ू काहे कि तारा 20 लाख रुपया लेवे के लालच आ गए बा और तू एकरा ना हम एकदम सच जाने नहीं हम कुछ ऐसा जाने नहीं जे कोई ना जाने ला करण लूथरा के पास बहुत सारा पैसा और अगर हमार मुंह बंद करे खातिर करण लूथरा 20 लाख दे भी देना तो ओके कौन से कमी आ जाए लेकिन हम के अभी 20 लाख रुपए की जरूरत था हमार बहुत काम आई तो चलो ले लेता हर 20 लाख रुपया आके कम चल कहाँ चले क्या कोर्ट कोर्ट ओजा का है वहाँ का है अरे कोर्ट के अंदर ना कोर्ट के बाहर कहा ना वो आज हियरिंग बा अक्षय के मर्डर केस के और करण जी जो उहे कोर्ट जा रहल बाड़े और ओकरा बाद फ्री होके वो उनकर वो क्रिकेट लीग स्टार्ट हो रहल बा ना ओकरा में वो बिजी हो जाइए ओकरा खातिर वो निकल जाइए तो बीच में कहीं मिले के वक्त नहीं के करण जीजू के पास दैट्स व्हाई कोर्ट अदरवाइज। हां करण भाई कहत रहलन कि कोर्ट के हियरिंग के बाद ओए जब मामला रफा दफा कर दियन ओकरा बाद जाइए क्रिकेट ग्राउंड। मेघा हां जी सोच कर रहल बाड़ू देखा हमनी के गाड़ी बाहर ही खड़ा बा अगर तू चाह तो हमनी के साथ आ सकेलो हमनी कोठी जा रहल बानी ठीक बा अगर नहीं के चलेगा तो हमनी के चला तनी चला सृष्टि ठीक बा एक मिनट हम मेघा के बता देता नहीं कि 20 लाख रुपया की डील सिर्फ आज तक ही सीमित बा काहे कि ओकरा बाद अगर करण जीजू के मूड बदल गए तो पता ना 20 लाख रुपया तो गएल ना हाथ से और अगर आगे जाके तू हमनी के ब्लैकमेल करे के कोशिश कर ले तो फिर हमनी देख लेब कि तहर का करे के बा ठीक बा चलन जाओ चलो वेट 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 हम चले तो नहीं ना एक मिनट हाँ चले तो नहीं आपके साथ कमाल भाई यार बड़ा आसानी से मान के ली पैसा सैमी पैसा ये पैसा खातिर ना बुरा से बुरा लोग के अच्छा से अच्छा नियत बिगड़ जाला और ये तबियाई खूनी किलर देख रहे ना कैसे बैकपैक करके निकलत रही हमके तो लगा था कि शहर छोड़ के जाके अगर फुल ऑन प्लान रहे वो तो हमनी के 20 लाख रुपया ऑफर कर देनी था इस सोचत होगी कि चला शहर छोड़े से पहले 20 लाख रुपया कमा के जाए। तू एकदम सही कहा था सृष्टि लेकिन हमें खातिर अच्छा ये भल की कोर्ट आवे खातिर राजी हो गए ले एग्जैक्टली थैंक यू भगवान जी। चला करीना दी समीर और करण कोर्ट खातिर निकल चुकल बाड़े हमनी के भी जल्द से जल्द पहुँचे के चाहे ड्राइवर के बुला लेनी है बस इंतजार कर रहा ला हमनी के नीचे। मम्मी अपने बहू से ये बात मत बताइए ना तो मजाक उड़ाई बाद में हमारा ना बताई। ओहो भाई ये फौज सज धज के कहाँ जाती है हा? अरे इतना हैरान का है बड़ा दरअसल महेश भूल गए बा कि प्रीता करण के बीवी बाड़ी और पुलिस के हिरासत में बाड़ी। नया बात कुछ याद नहीं खे और पुराना बात पे हंस रहल बा। यार मम्मी का फुसर फुसर लगा के रखलवानी आप लोग भाई सब लोग मिलके हमरा खिलाफ साजिश करता का हा? चल पागल और करण ऋषभ वो लोग कहाँ बा भाई हम अकेला नाश्ता करता नहीं सब लोग वहां खड़ा बा आवा लोग जी
हम अभी बुला लावा थाने हमके। हाँ बुलावा। मम्मी आ जाए। चला अबा।